अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड। अब इस मेथड को हम लोगों ने यूज़ करना है ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए भी और लोकल अलाइनमेंट के लिए भी। तो अगर आपको पेयर वाइज अलाइनमेंट का नहीं पता या ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल अलाइनमेंट का नहीं पता, तो आपको हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले शॉर्टली जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट एक ऐसी अलाइनमेंट है जिसमें हमने दो सीक्वेंसेस को अलाइन करना है और हमने उनमें सिमिलैरिटी को चेक करना है। अब अलाइनमेंट, पेयर वाइज अलाइनमेंट की फर्दर टू टाइप्स हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट में टू सीक्वेंसेस को फुली लेंथ, इक्वल लेंथ होनी चाहिए और उन्हें हम लोगों ने अलाइन करना है और उसमें सिमिलैरिटी चेक करनी है। जबकि लोकल अलाइनमेंट में टू सीक्वेंसेस को ही हमने कंपेयर करना है, लेकिन अनइक्वल लेंथ के सीक्वेंसेस होते हैं और उनमें हमने सिमिलैरिटी चेक करनी होती है, रीजनल सिमिलैरिटी, क्योंकि उनकी सीक्वेंस की लेंथ जब डाइवर्जेंट है तो हमने जो सिमिलैरिटी है वो भी स्पेसिफिक रीजन्स में जो है वो फाइंड करनी होती है। अलाइनमेंट के हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि तीन एल्गोरिदम थे, डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वर्ड मेथड। बाकी जो दो एल्गोरिदम्स हैं उन्हें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर लिया हुआ है। आप अगर ब्रीफली जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो ज़रूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड क्या है। हमें पता है कि ये एक एल्गोरिदम है अलाइनमेंट का, पेयर वाइज सीक्वेंसेस की। अ मेथड दैट डिटरमाइंस ऑप्टिमल अलाइनमेंट बाय मैचिंग टू सीक्वेंसेस फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ करेक्टर्स बिटवीन टू सीक्वेंसेस। एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं और उनमें हम लोग जितने भी पॉसिबल मैच करेक्टर्स हैं, सिमिलर करेक्टर्स या अमीनो एसिड रेसिड्यूज या न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इट इज फंडामेंटली सिमिलर टू द डॉट मैट्रिक्स मेथड दैट इट ऑल्सो क्रिएट्स टू डायमेंशनल अलाइनमेंट ग्रिड। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड भी डॉट मैट्रिक्स की तरह है क्योंकि इसमें भी हम लोग सीक्वेंसेस को टू एक्सिस ग्रिड में कंपेयर करते हैं। हेयर इट फाइंड अलाइनमेंट इज मोर क्वांटिटेटिव वे बाय कन्वर्टिंग अ डॉट मैट्रिक्स इनटू स्कोरिंग मैट्रिक्स। अब डॉट मैट्रिक्स एल्गोरिदम में और डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड में डिफरेंस ये है कि इसमें हम अलाइनमेंट को क्वांटिटेटिव वे में एनालाइज करते हैं, कि डॉट मैट्रिक्स में हमें डॉट्स जो हैं वो शो कर रहे होते थे अलाइनमेंट को, सिमिलैरिटी को, जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमें पार्टिकुलर स्कोर्स जो हैं नंबर्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा कि इतनी सिमिलैरिटी है इसमें दो सीक्वेंसेस के अंदर। डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क्स बाय फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड में हम पहले टू डायमेंशनल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी दोनों एक्सिस हम लोग यूज करेंगे सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए। एक एक्सिस पे एक सीक्वेंस प्लेस करेंगे और दूसरी एक्सिस पे दूसरा सीक्वेंस जो है वो प्लेस करेंगे। द रेसिड्यूज मैचिंग इज अकॉर्डिंग टू अ पार्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स। अब जो रेसिड्यूज मैच करेंगे वो एक पार्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब स्कोरिंग मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जो दोनों एक्सिस हैं उनमें पार्टिकुलर स्कोर्स जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो सेट किए होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हैं दोनों सीक्वेंस के जो रेसिड्यूज सिमिलर होंगे वो कंबाइन करेंगे। द स्कोर्स आर कैलकुलेटेड वन रो एट अ टाइम। अब ये जो स्कोर हैं एक रो के एट अ टाइम जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। दिस स्टार्ट विद द फर्स्ट रो ऑफ वन सीक्वेंस विच इज यूज टू स्कैन द इंटायर लेंथ ऑफ द अदर सीक्वेंस फॉलोड बाई स्कैनिंग द सेकेंड रो। इसमें क्या होता है कि जो एक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट रो को हम यूज करते हैं दूसरे पूरे सीक्वेंस को स्कैन करने के लिए और इसी तरह हम जो सेकेंड रो है उसको फिर यूज करेंगे दूसरे सीक्वेंस को पूरे को स्कैन करने के लिए। द मैचिंग स्कोर्स आर कैलकुलेटेड। इस तरह जब स्कैन करेंगे तो जो रेसिड्यूज सिमिलर होंगे उनका हमें एक पार्टिकुलर स्कोर या नंबर जो है वो ऑब्टेन होगा।
जो हमें फर्स्ट रो में जो नंबर्स ऑब्टेन होंगे उनको जब हम सेकंड रो को कंपेयर कर रहे होंगे पूरे सीक्वेंस के साथ, तो फर्स्ट जो स्कोर्स ऑब्टेन है उन्हें भी हम एड अप करेंगे. द बेस्ट स्कोर इज टू पुट इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ एन इंटरमीडिएट मैट्रिक्स. अब जो बेस्ट स्कोर होगा उसे हम बॉटम राइट कॉर्नर में पुट करेंगे. थस द स्कोर्स आर अकुमुलेटेड अलॉन्ग द डायगोनल गोइंग फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर टू द लोअर राइट कॉर्नर. अब जो स्कोर्स हैं वो अकुमुलेट होंगे डायगोनल में अपर लेफ्ट कॉर्नर से लेके लोअर राइट कॉर्नर तक. जो बेस्ट स्कोर होंगे वो बॉटम राइट कॉर्नर में होंगे और जो इनिशिएटिव स्कोर्स होंगे वो अपर लेफ्ट कॉर्नर में होंगे. वंस द स्कोर हैव बीन अकोमिलेटेड इन द मैट्रिक्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द पाथ दैट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमल अलाइनमेंट. जब स्कोर्स जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर अकोमिलेट हो जाएंगे, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक पाथ फाइंड करना है जिसके थ्रू ऑप्टिमल अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके. अब जो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को देखेंगे टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स के लिए, क्योंकि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की टू टाइप्स हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट. ग्लोबल अलाइनमेंट में पूरे सीक्वेंसेस जो हम अलाइन करेंगे उनकी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है जब हम ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए यूज करेंगे तो एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उस एल्गोरिदम का नेम है नीडलमैन वंसिक एल्गोरिदम. यहाँ से आपने कंसेंट्रेशन से जो है वो सुनना है. अगर आपके ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे. नीडलमैन और वंसिक एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करता है, मेथड जो है वो यूज करता है ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए. इसके बेसिकली थ्री स्टेप्स हैं. फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स विद स्कोर पॉसिबल. हमने मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करना है स्कोर्स के साथ. अब मैट्रिक्स का तो पता है टू डायमेंशनल होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उनके अंदर पार्टिकुलर स्कोर्स होने चाहिए. मैट्रिक्स फिल विद द मैक्सिमम स्कोर्स. मैट्रिक्स जो है वो मैक्सिमम स्कोर से किस तरह फिल अप होगा कि जब हम एक रो को स्कैन करेंगे दूसरे पूरे सीक्वेंस के साथ और उसके स्कोर्स ऑब्टेन होंगे, फिर सेकंड को करेंगे पूरे सीक्वेंस के साथ तो जो स्कोर्स ऑब्टेन होंगे उसमें हम लोग जो पहले ऑलरेडी फर्स्ट रो से स्कोर ऑब्टेन हुए थे उसको भी एडअप करेंगे. इसी तरह सो ऑन जो है वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो स्कोर से फिल अप हो जाएगा. अब लास्ट स्टेप ये है कि हमने इन स्कोर्स को जो है या रेसिड्यूज को ट्रेस बैक करना है ताकि हमें ऑप्टिमल अलाइनमेंट जो है वो ऑब्टेन हो सके. जैसे कि ये पहला स्टेप ये है कि हमने इनिशियलाइजेशन करनी है मैट्रिक्स की पॉसिबल स्कोर के साथ. सॉरी, दूसरा पॉइंट ये है कि ये मैट्रिक्स फिलअप होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल स्कोर के साथ. लास्ट पॉइंट ये है कि इन स्कोर्स को हमने ट्रेस बैक करना है ताकि हम बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट को फाइंड आउट कर सकें. ये जो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखी है ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए उसका तो जो मेथड था वो था नीडलमैन एंड वंसिक एल्गोरिथम. लेकिन इसके लिए कौन सा ऐसा वेब बेस्ड प्रोग्राम है जिससे हम लोग ग्लोबल अलाइनमेंट कर सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड के अकॉर्डिंग? तो वो वेब बेस्ड प्रोग्राम जो है वो हमारे पास है गैप. ये एक वेब बेस्ड पेयर वाइज ग्लोबल अलाइनमेंट प्रोग्राम है. इसमें दो सीक्वेंसेस को हम अलाइन करते हैं उनके टर्मिनल गैप्स को पिनलाइज किए बगैर. तो इसका बेनिफिट ये है कि जो सिमिलर सीक्वेंसेस हैं जिनकी लेंथ सिमिलर नहीं है वो भी अलाइन हो सकते हैं. टू एबल टू इंसर्ट लॉन्ग गैप्स इन द अलाइनमेंट सच गैप्स आर ट्रीटेड विद कॉन्स्टेंट पिनालिटी. अब अगर हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग गैप्स जो हैं उसको इंसर्ट करें अलाइनमेंट में तो इन गैप्स को हम कॉन्स्टेंटली ट्रीट करेंगे पिनालिटी के साथ. उसमें या तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे या डिलीशन करेंगे लास्ट वाले रेसिड्यूज के. ये वाला फीचर हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को अलाइन करने के लिए एक्सॉन्स के साथ जीनोमिक डीएनए, ताकि उसके अंदर सेम जीन हो
जो कि फर्दर मैसेंजर आरएनए से फर्दर जो है वो प्रोटीन्स जो है वो डेवलप कर सके। अब हम देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लोकल अलाइनमेंट के लिए। अगर हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे जिनकी लेंथ जो है वो डाइवर्जेंस होगी या उनमें डाइवर्जेंस लेवल होगा इन रेगुलर सीक्वेंस अलाइनमेंट द डाइवर्जेंस लेवल बिटवीन टू सीक्वेंस टू बी अलाइन इज नॉट इजीली नाउन। रेगुलर सीक्वेंस अलाइनमेंट में जो डाइवर्जेंस लेवल है दो सीक्वेंसेस में वो इजीली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। द सीक्वेंस लेंथ ऑफ टू सीक्वेंसेस मे आल्सो बी अनइक्वल, क्योंकि उनमें जो सीक्वेंस की लेंथ है दो सीक्वेंसेस की वो भी अनइक्वल होती है। और इस केस में जो आइडेंटिफिकेशन है रीजनल सीक्वेंस सिमिलैरिटी की, के स्पेसिफिक रीजन्स की सिमिलैरिटी को फाइंड करना, वो एक डिफिकल्ट है एज कम्पेयर के उन सीक्वेंस में सिमिलैरिटी फाइंड करना जिनकी लेंथ भी जो है वो सिमिलर होगी। अब इसमें जो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन जो यूज करते हैं लोकल अलाइनमेंट के लिए वो है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिदम में हम पॉजिटिव स्कोर जो है वो असाइन करते हैं मैचिंग रेसिड्यूज को और जीरो जो है वो हम यूज करते हैं मिसमैचिंग के लिए। तो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी और डाइवर्जेंस जो है वो दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। नो नेगेटिव स्कोर दैट यूज्ड, इस मेथड में कोई भी नेगेटिव स्कोर यूज नहीं होता। अ सिमिलर ट्रेस बैकिंग प्रोसीजर इज यूज्ड, इसमें भी नीडलमैन वंसेक एल्गोरिदम की तरह जो कि ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज किया था ट्रेस बैकिंग जो प्रोसीजर है वो भी यूज होता है। लोकल अलाइनमेंट का गोल ये है कि हमने अलाइनमेंट का स्कोर फाइंड आउट करना है लोकली, जो कि एक डिफिकल्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू के उन हम सीक्वेंसेस में वो अलाइनमेंट फाइंड आउट करें और जिनकी लेंथ जो है वो सिमिलर हो। अब ये जो अप्रोच है ये या तो हम डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं जिनकी लेंथ जो है वो अनइक्वल हो उनमें अलाइनमेंट को चेक करने के लिए, या ऐसे सीक्वेंस जिनमें मल्टीपल डोमेन्स हैं। और डोमेन्स का हमें पता है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड के जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और ये स्टेबल भी होते हैं। इनके ओरिजिन जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब डायनेमिक प्रोग्राम के जो वेब सर्वर्स हैं जिसके थ्रू हम ऐसे वेब सर्वर जिसके थ्रू हम लोकल अलाइनमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड या जैसे कि हम स्मिथ एंड वाटरमैन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो ये तीन हमारे पास वेब सर्वर हैं। पहले का नेम है सिम, दूसरे का है एस सर्च एंड थर्ड है लाल आइकन। अब सिम जो है ये ऐसा एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए जो कि स्मिथ और वाटरमैन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर को फाइंड आउट करता है नॉन ओवरलैपिंग लोकल अलाइनमेंट में दो सीक्वेंसेस के। मतलब इसमें जैसे कि हमें पहले पता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग लोकल अलाइनमेंट की अगर करेंगे तो स्मिथ एंड वाटरमैन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये जो हमारे पास वेब बेस्ड प्रोग्राम है ये स्मिथ एंड वाटरमैन एल्गोरिदम को यूज करते हुए पेयर वाइज अलाइनमेंट को फाइंड आउट करता है लोकली, और इसके अंदर एबिलिटी होती है और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये हैंडल कर सकता है टेंस ऑफ किलोबेसिस जीनोमिक सीक्वेंसेस। अब यूजर के पास इसमें ऑप्शन होता है कि ये सेट कर सकते हैं यूजर इसमें स्कोरिंग मैट्रिक्स और गैप पेनल्टीज के स्कोर। स्कोरिंग मैट्रिक्स मतलब दोनों एक्सेस में स्कोर्स को जो है वो सेट कर सकते हैं यूजर्स, और जो गैप की पेनल्टीज का स्कोर है उसको भी सेट कर सकते हैं। अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बेस्ट स्कोर अलाइनमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इससे जो बेस्ट अलाइनमेंट स्कोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एक सिंगल स्कोर नहीं, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्कोर्स जो है अलाइनमेंट के वो प्रोड्यूस होते हैं। अब एस सर्च जो है ये सिम से जो है ये डिफरेंट है क्योंकि ये एक सिंपल वेब बेस्ड प्रोग्राम है
क्योंकि स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग पेयर वाइज अलाइनमेंट करता है सीक्वेंसेस के। इसमें सिर्फ एक बेस्ट स्कोर जो है अलाइनमेंट का वो दिया जाता है, जबकि सिम में जो है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जो है स्कोर्स हैं वो दिए जाते थे, और यूजर्स के पास ऑप्शन थी कि वो मैट्रिक्स के और गैप पिनालिटी के जो स्कोर्स हैं उनको सेट कर सकें। लेकिन इसमें ना तो ऑप्शन है कि स्कोरिंग मैट्रिसेस और गैप पेनल्टीज के स्कोर को यूजर जो है वो खुद सेट कर सके, और दूसरा कि इसमें जो अलाइनमेंट का स्कोर है वो भी 1 होता है। अब लाल एगन जो है ये एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है जो कि वेरिएंट है स्मिथ और वाटरमैन एल्गोरिथम का, दो सीक्वेंसेस को अलाइन करने में। ये एस सर्च की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ एक सिंगल बेस्ट स्कोर जो है अलाइनमेंट का वो दिया जाता है। लाल आइगन जो है ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बेस्ट स्कोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिस तरह सिम प्रोवाइड करता था, और यूजर के पास ऑप्शन होता है कि वो स्कोरिंग मैट्रिसेस को और जो गैप पेनल्टीज के स्कोर्स हैं उनको सेट कर सके। अब ये वाला सेम जो है ये वेब इंटरफेस हम लोग यूज कर सकते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए भी, जो कि परफॉर्म होगा ऑल आइगन प्रोग्राम के थ्रू। और अगर हम लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे लाल आइगन। अमीनो एसिड के अगर हम स्कोरिंग मैट्रिसेस की बात करें तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि अमीनो एसिड्स में हमने अमीनो एसिड रेसिड्यूज की फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज को भी जो है वो देखना होता है अलाइनमेंट के लिए, एज वेल एज द लाइक्लीहुड ऑफ सर्टेन रेसिड्यूज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड अमंग ट्रू होमोलोगस सीक्वेंस। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अमीनो एसिड्स में सब्स्टिट्यूशन हो भी हो होमोलोगस सीक्वेंसेस के दौरान। अब सर्टेन अमीनो एसिड्स विद सिमिलर फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मोर इजीली सब्स्टिट्यूटेड देन दोज विदाउट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अब ऐसे अमीनो एसिड जिनकी सिमिलर फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इजीली सब्स्टिट्यूट होंगे एज कम्पेयर टू उन रेसिड्यूज की जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर नहीं। अब जो सिमिलर रेसिड्यूज हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन से प्रिजर्व कर होते हैं एसेंशियल जो फंक्शन है या स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं अमीनो एसिड्स के। हाउ एवर सब्स्टिट्यूशन बिटवीन रेसिड्यूज ऑफ डिफरेंट फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोर लाइकली टू कॉज डिस्ट्रक्शन टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ऐसे रेसिड्यूज जिनकी डिफरेंट फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो उनमें सब्स्टिट्यूशन से जो लेटर ऑन स्ट्रक्चर्स हैं या फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के उनमें डिसरप्शन जो है वो कॉज हो सकती है। अब ये वाली जो डिसरप्टिव सब्स्टिट्यूशन है ये लेस लाइकली है, बहुत कम चांस है कि एवोल्यूशन में इसे सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि इससे लेटर ऑन जो है नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स जो है वो बिल्ट अप हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ऐसे रेसिड्यूज में सब्स्टिट्यूशन जिनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हों उन्हें एवोल्यूशन के प्रोसेस में सिलेक्ट किया जाता है, ताकि वो लेटर ऑन जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है वो प्रोटीन कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो आज का लेक्चर था हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है हमने यूज की है लोकल अलाइनमेंट के लिए और ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए। लोकल अलाइनमेंट के लिए हमने की है स्मिथ एंड वाटरमैन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए हमने की है नीडलमैन एंड वंसक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। अब जो वेब बेस्ड सर्वर्स हैं लोकल अलाइनमेंट के लिए वो हमारे पास है सिम सर्च लाल आइकन, और जो ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए है वो हमारे पास है गैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।